हमारे साथ चले। देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है, प्रदेशों को लड़ाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम निकले। यात्रा में 6-7 घंटे हम जनता से बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, और फिर अंत में 15 मिनट का 20 मिनट का ऐसा भाषण। तो यात्रा का लक्ष्य आपको अपनी मन की बात बताने का नहीं, यात्रा का लक्ष्य आपकी मन की बात को सुनने का। और तो पिछले साल जब हम थे तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले हो, मगर छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ ईस्ट का, इन प्रदेशों का, गुजरात का क्या हो? तो हमने कहा ठीक है दूसरी यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। पिछली यात्रा में हमें पता लगा कि नफरत और हिंसा अन्याय के कारण बढ़ रही है। सब लोगों ने कहा कि भाई ये जो माहौल बन रहा है इसका कारण बेरोजगारी, महंगाई, डर ये है। तो इसलिए इस यात्रा में हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द जोड़ दिया। अब 2-3 तरीके के अन्याय देश में हो रहे हैं। ये आपने जो स्वेटर पहना है ये कितने का खरीदा आपने? नहीं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, ये आपने 1,000 रुपए का खरीदा, इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। 18%। हाँ ठीक है, तो इसमें आपने 1,000 रुपए पे 12% कितना हुआ? 120 रुपया आपने दिए। आपकी आमदनी क्या है? आमदनी क्या है? हाँ महीने का बता दो, साल का बता। महीने का 50,000 रुपए इनकी आमदनी, और इन्होंने 15% जीएसटी शर्ट पे दी। अब यही शर्ट अगर अदानी खरीदता, यही शर्ट अगर 1,000 रुपए की शर्ट हो जाके मार्केट में खरीदे, वो कितनी जीएसटी देगा? वो भी इतनी देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी 50,000, उसकी आमदनी कितनी? 50 करोड़ की बोल रहे हो भाई। ये आगे जाएंगे वहां पे हर में। तो अरबपति उतनी ही टैक्स दे रहा है जितना गरीब दे रहा है। वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, वो शर्ट खरीदता है, वो पैंट खरीदता है, वो जूता खरीदता है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देता है। अब उसके बाद क्या होता है? जीएसटी का पैसा आपके जेब में से जाकर सरकार के पास जाता है। अब सरकार क्या कर रही है? आपका जीएसटी का पैसा जो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो अदानी को देती है, एयरपोर्ट बनता है तो अदानी को देती है, पोर्ट बनता है तो अदानी को देती है, खदान दे दी अदानी को, आदिवासियों को जमीन छीन ली। तो आप जीएसटी भर रहे हो, आपकी जीएसटी का पैसा वही 2-3 अरबपति को जा रहे हैं। भैया मुझे ये फोन दिखाओ, ये मेड इन चाइना फोन है, विवो का है, मेड इन चाइना है ना, मेड इन इंडिया तो नहीं है ना। तो इस फोन में से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिला ना? किसको मिला रोजगार? चाइना को। अब इस फोन को हिंदुस्तान में कौन बेचता है? अदानी और अंबानी। तो चाइना के युवाओं को फायदा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और किसको फायदा मिल रहा है? अदानी और अंबानी को।
नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं उनको हो रहा है, जो स्टूडेंट्स को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जॉब नहीं मिल रही। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। आप लोग महंगाई सहो, आप लोगों को रोजगार ना मिले, चाइना का माल यहां बिके, अदानी को उसका फायदा मिले, अंबानी को उसका फायदा मिले, चाइना के माल का जो फायदा हो उनके जेब में जाए, और बाकी चाइना की कंपनी को और चाइना के स्टूडेंट्स को, चाइना के युवाओं को। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। उसके बाद बीजेपी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू की। जीएसटी का मैंने आपको समझाया, नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? अदानी के। तो पूरा सिस्टम तीन चार लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, आपको बताएगा जीएसटी और नोटबंदी हथियार है, हथियार है, हमें मारने के हथियार। कोई भी इंडस्ट्री देख लो, आप पावर इंडस्ट्री देख लो, डिफेंस इंडस्ट्री देख लो, स्वास्थ्य की इंडस्ट्री देख लो, रिटेल देख लो, एयरपोर्ट देख लो, कोई भी देख लो, उसमें आपको यही चार पांच लोग दिखेंगे, चुने हुए लोग देश का पूरा फायदा उठा रहे हैं, बाकी जनता देखती जा रही है, महंगाई से दब रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। अब मैं थोड़ा सामाजिक अन्याय की बात करता हूं। देश में कितने पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जात के कितने लोग हैं, कोई जानता है? नहीं, ये कह रहे 36, मैं कहता हूं नहीं, हाँ 90% भी नहीं है, 50% है। देश में पिछड़ी जात के 50% लोग हैं, ठीक है। दलित कितने हैं? नहीं, कितने हैं? 16%, ठीक है। 50 में 16 कितना हुआ? 50 प्लस 16 कितना हुआ? ठीक है। आदिवासी हैं 8%, ये भी जोड़ दो, कितना हुआ? 74, ठीक है, ठीक है। अब 74% दलित, पिछड़ा और आदिवासी की आबादी है। अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरा का पूरा पैसा अदानी जी की कंपनी में जा रहा है, अंबानी जी की कंपनी में जा रहा है, इन कंपनियों में ओबीसी, दलित और आदिवासी कितने लोग हैं? एक भी नहीं। कितने है बताओ? एक भी नहीं है। 10%, मैंने आंकड़ा निकाला, एक नहीं है, 0% है। अब सुनो, मजे की बात सुनो, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां जिनको देश का पूरा धन दिया जा रहा है, इनमें से इनके मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं भाई, एक नहीं है। 200 कंपनियों में एक मालिक ना दलित का, ना आदिवासी का, ना पिछड़े का, ठीक है। चलो छोड़ो, मैनेजमेंट में बता दो, सीनियर मैनेजमेंट में जो इस कंपनी को चलाते हैं उसमें बता दो, पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? जीरो। चलो ठीक है, कहो कि भैया मान लो कि कंपनी में एक दलित नहीं होना चाहिए, एक आदिवासी नहीं होना चाहिए, एक पिछड़ा नहीं होना चाहिए, तो कंपनियों को छोड़ दो। अब मुझे बताओ मीडिया में कितने? जीरो। ये जो मीडिया वाले हैं, सबसे बड़े अखबार, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े अखबार, सारे के सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार, जो बड़े पत्रकार हैं, इसमें से बता दो पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? जीरो। जीरो। चलो इसको भी दे दो,
तो ये भी नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ देश का जो बजट बांटा जाता है, 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर दिल्ली में बैठे, स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाता है, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाता है, डिफेंस के लिए कितना पैसा जाता है, ये सब निर्णय ये 90 लेते हैं। इसमें से बता दो 90 में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। और ये एक बात बताओ, दूसरी बात ये बताओ कि बजट का कितना पैसा ये अफसर बांटते हैं, मतलब 74% लोग मीडिया में नहीं है, सबसे बड़ी कंपनियों में नहीं है, सरकार में बता दो कितने। ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, 90 में से 5, 74% का हिस्सा 5, ठीक है। और बताता हूं, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो ओबीसी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, 5%। दलित कितने का लेते हैं, 1%। आदिवासी कितने का लेते हैं, 100 रुपए में से 10 पैसा, मतलब 74% आबादी बजट का 6% 6 रुपए 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसा संभालती है। आप हैरान हो गए ना। अब गरीब जनरल कास्ट की बात करता हूं, अब मुझे बता दो गरीब जनरल कास्ट का इन अफसरों में से कौन सा है, एक नहीं है। बड़ी कंपनियों में कौन सा है, एक नहीं है। तो बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, 74% को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, गरीब जनरल कास्ट को कुछ नहीं मिल रहा। आप मुझे बताओ, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देखा आपने, उसमें आपने एक गरीब आदमी देखा, देखा आपने, उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा। और ये देखो पुलिस वाले ने कहा फंस जाओगे भाई, ऐसा मत बोलो, रिटायर्ड आदमी ने कहा। अच्छा आपकी भी बात करूंगा अभी, नाम क्या आपका, आयो आयो, ये देखो आया बब्बर सिंह। एक मुझे वहां पे किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, और सारे के सारे जो अरबपति हैं वो दिखे, और वहां पे वो बड़े लंबे लंबे मीडिया को भाषण दे रहे हैं, अंबानी जी दे रहे हैं, अदानी जी दे रहे हैं, उनकी बीवी दे रही है, उनके बच्चे दे रहे हैं, आपने देखा होगा भाइयों। ये 74% जो है ना लोग, और इसमें आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा है। इनको इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है, और भूखा मरना है। अब आप पूछोगे भैया, आप पूछोगे मुझसे कि भैया आप भाषण कर रहे हो, ये आपका मीडिया में भाषण क्यों नहीं आता, मीडिया में 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, अंबानी जी दिखेंगे, अदानी जी दिखेंगे, रामदेव बाबा दिखेंगे, राहुल गांधी जी दिखेगा, क्यों, क्योंकि राहुल गांधी ये बात करता है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल गया ये बात बोलते बोलते बोलते, वो अलग बात है, थका नहीं, क्योंकि आपने थकने नहीं दिया, आपने इतना प्यार दिया।
तो ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? और आप सबको हर रोज सुबह उठ के अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। आपने ये टोपी पहन रखी, आप वर्कर हो, आ जाओ, आ जाओ। ये देश के शेर हैं, आ जाओ। ओला मजदूर, आप सुनो, देखो, तो इनके बारे में, कोयला मजदूर के बारे में आपने मीडिया में कभी देखा? कभी देखा आपने? मीडिया वाले ने कभी इनको इंटरव्यू दिया? नहीं दिया। जो एक्स आर्मी वाले हैं उनको कभी देखा आपने मीडिया में? भैया इनकी है ही नहीं। अब मैं आपको अग्निवीर समझाता हूँ। आपने, आपको समझ नहीं अग्निवीर योजना? मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था, ये एक्स आर्मी के हैं, ये एक्स आर्मी के हैं। कब गए आर्मी में? 2004 में गए। आप क्यों गए? देश सेवा करना था, जज्बा था, भारत माता की सेवा करना था। तो इनके दिल में आग जली थी देश प्रेम की, देशभक्ति की, इसलिए ये गए। अच्छा भैया, कौन से बॉर्डर पे गए? मैं कम्युनिकेशन आईटी में सिग्नल में था, कंप्यूटर ऑपरेटर था। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया। जब ये निकले, आर्मी ने इनसे कहा, कब निकला? फरवरी 2020। ये 2020 में रिटायर हुए। आर्मी ने इनसे कहा, देखिए भाई, आपने हमारे लिए सेवा की है, आपके दिल में देशभक्ति है, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको पेंशन देंगे, आपकी देखभाल करेंगे, ठीक है? अब अग्निवीर योजना लाते हैं। अग्निवीर योजना में यही जो इनके दिल में भावना थी, वही सब अग्निवीरों के दिल में है, मगर उनसे बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भैया देखो, आप आओ, आप 4 साल काम करो, ठेके पे काम करो। ये ठेका शब्द जो आपने प्रयोग किया है, बहुत जरूरी शब्द है, ठेके पे काम करो, 4 साल बाद अगर 4 लड़के आए, 3 को हम आउट कर देंगे और 1 को रखेंगे। अगर युद्ध होता है या बॉर्डर पे किसी अग्निवीर को छाती में गोली लगती है, वो शहीद हो जाता है, तो अग्निवीर को शहीद दर्जा नहीं दिया जाएगा। बात समझ आई? मतलब हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक गोली खाएगा, उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा गोली खाएगा, शहीद होगा, उसको कहा जाएगा भैया तू शहीद नहीं। मतलब जो ठेकेदारी पूरे देश में फैला रहे हैं ये लोग, अच्छा ठेकेदारी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन करता है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, अरे नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 74% वाले लोग करते हैं। आप जाओ, कोई लिस्ट निकालो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, मैंने निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लिस्ट निकालो, उसमें नाम देखो, उसमें आपको दिखेगा ओबीसी, दलित, आदिवासी और 2-3 गरीब कास्ट के जनरल लोग मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मी को 2 भाग में बांट दिया। एक अग्निवीर में दो पार्ट बना दिए। एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मजदूर, जिसको आप उठा के फेंक सकते हो, उसका नाम है अग्निवीर। उसमें पता है कौन लोग जाएंगे? 74%। उसमें गरीब लोग जाएंगे, उसमें 74% जाएंगे। उनको कहा जाएगा भैया देखो, 3 साल आपने काम किया, 4 साल काम के बाद अब निकलो यहां से, जाओ निकलो यहां से, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तुम जाके देश में मजदूरी करो, यहां तुमने मजदूरी की 3 साल यहां की, अब जूता मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, अब देश में मजदूरी करो। और वही जो 2-3% वाले लोग हैं, उनको वहां पे परमानेंट जॉब मिलेगा,
और वो शहीद होंगे, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, और बाकी लोग अगर शहीद हो गए उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो हिंदुस्तान को दो पार्ट में बांटा जा रहा है, एक है 2-3% जिसके हाथ में मीडिया, जिसके हाथ में कोर्ट, जुडिशरी, सेना, पुलिस, बड़े बड़े बिजनेस। अच्छा और बताता हूं,